हरियाणा में पेट्रोल पंप से लूट का लाइव वीडियो, 8 लाख लूटे, 2 कर्मचारियों और ट्रक ड्राइवर को गोली मारी, जमीन बतरपते नजर आए। हरियाणा के सोनीपत में रविवार रात 27 अक्टूबर बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप से 8 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों समेत एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। इसके बाद लुटेरे फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस ने टीम मौके पर पहुंची। कर्मचारियों से पूछताछ के बाद शहर में नाकाबंदी की गई, लेकिन लुटेरा का कोई सुराग नहीं लगा। लूट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लुटेरे कर्मचारियों को गोली मारते और लूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार में सवार होकर आए लुटेरे, जानकारी के मुताबिक दिल्ली और पानीपत नेशनल हाईवे 44 पर TDI के सामने गर्भ पेट्रोल पंप है। यहां बीती रात करीब 9 बजे बाइक सवार होकर 4 युवक पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर अपनी कार खड़ी कर दी। इसके बाद वे हाथों में पिस्तौल लेकर सीधे पेट्रोल पंप के कैबिन में पहुंच गए। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालक कैबिन के अंदर बैठा हुआ था। बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर पैसे लूटने की कोशिश की। उसने विरोध किया, इस पर उसकी पिटाई कर दी। कैबिन में 2 कर्मचारियों को गोली मारी। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 2 कर्मचारी नन्हा और संजीव कैबिन के अंदर आ गए। उन्होंने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने दोनों को गोली मार दी। दोनों के पैर में गोली लगी। इसके बाद बदमाशों ने वहां रखी नकदी एक बैग में भरी और भागने लगे। इस दौरान पेट्रोल भराने आए एक ट्रक चालक ने बदमाशों का विरोध किया तो उसके पैर में गोली लग गई। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दिन भर की बिक्री का पैसा लूटकर फरार पेट्रोल पंप संचालक राकेश ने बताया कि पंप कर्मचारी नन्हा संजीव एक चालक को गोली लगी है। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट्रोल पंप पर दिन भर की बिक्री का करीब 7 से 8 लाख रुपए वहाँ रखे थे। अभी पूरी गिनती और हिसाब किताब होना बाकी है। बदमाश सारा पैसा लूट कर ले गए। पुलिस अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप पर लूट हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बाइक पर 3 से 4 लोग आए थे। कितने पैसे लूटे इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।